इफ इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, अगर हमको सी दिया गया ठीक, और बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा यदि हमको डी दिया गया है ठीक। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी है ठीक। तो इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यदि दोनों इक्वेशनों को क्या करें, स्क्वायर करके क्या कर दें, ऐड कर दें, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ठीक। वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन निकाले देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो एक क्वेश्चन दिया है कि इफ इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया गया है ठीक। फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ठीक। हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें भी तो कुछ वैसा ही लगेगा, जैसे इसमें अगर हम कहें कि ए है, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिखेगा, जैसे ये क्या है इसको लिखते हैं वन इंटू साइन थीटा, ये क्या है प्लस वन इंटू कॉस थीटा ठीक बराबर एक्स है। तो ये चीज हमारी ए हो जाएगी, ये चीज बी हो जाएगी। दूसरी की अगर हम बात करें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या कर लें, ये भी क्या हो जाएगा वन इंटू साइन थीटा माइनस वन इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं ठीक। इसको क्या मान लिया हमने, डी लेट कर लिया, इसको डी लेट कर लेंगे ठीक। तो क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि दोनों ही क्वेश्चनों को क्या स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है, तो इसी में हम वो लगा देंगे, क्या लगा देंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ठीक। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन हो जाएगी, बी की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पुट कर देंगे वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर में सी, ये सी है ठीक, ये क्या है सी की वैल्यू है। तो यहाँ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा वन का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में डी स्क्वायर ठीक। तो ये हो जाएगा डी बराबर में, ये डी स्क्वायर जब इधर हटेगा तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर ठीक। तो इसकी डी की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। डी क्या था, डी यही था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने लेट किया था। तो लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर ठीक। ठीक एक और एग्जांपल देखते हैं ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ क्वेश्चन देखते हैं कि इफ इफ पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर में टू दिया गया है ठीक। दूसरा क्या दिया गया है, पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा बराबर वन दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन। काफी सिंपल सा है, इसको फाइंड करना है ठीक। इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ये भी इसमें ए की जगह पी दिया गया है, बी की जगह क्यू दिया गया है, तो इसमें हम लोग सिमिलरली वही फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर कितना है, पी है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यू है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, सी कितना है भाई, सी ये टू है, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है वन,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा फाइव। वैल्यू में किसकी निकालनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन की निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को पांच निकाल चुके हैं, प्लस वन कर देंगे तो हो जाएगा सिक्स। नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। ठीक, अब इसी के बाद एक और इसी पर बेस्ड कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और ये मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर था। अब इसी में सेक और टैन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दिया गया है इफ ए सेक थीटा माइनस ए सेक थीटा माइनस बी टैन थीटा बराबर में सी। ठीक, ए सेक थीटा माइनस बी टैन थीटा बराबर सी दिया गया है, और दूसरा दिया गया है कि b sec theta माइनस a tan theta बराबर d दिया गया। ठीक, ये क्या होता है, इसमें भी लगभग वही होता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक, तो इसमें ये आ जाता है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, तो इस पर हम लोग कुछ एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्वेश्चन ठीक, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि इफ पी सेक थीटा माइनस क्यू टैन थीटा, क्या है कि पी सेक थीटा माइनस क्यू टैन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, दूसरा है क्यू सेक थीटा माइनस पी टैन थीटा बराबर वाई स्क्वायर, हमें फाइंड करना है फाइंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये भी इसी फॉर्म में लिखा है लगभग, इसमें a की वैल्यू p है, b की वैल्यू q है, हमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर फॉर्म करना है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। यहाँ a b की जगह क्या है, p q है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर में c कितना है, c यहाँ x है, तो यहाँ x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस g कितना है, y स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर होता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। ठीक, तो ये हमारा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इफ फाइव सेक थीटा माइनस थ्री टैन थीटा, फाइव सेक थीटा माइनस थ्री टैन थीटा इज इक्वल टू सेवन। ठीक, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, थ्री सेक थीटा माइनस फाइव टैन थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये भी इसी फॉर्म में है कि a sec थीटा माइनस का b tan थीटा, हमें a sec थीटा b tan थीटा माइनस a tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा फॉर्मूला कि हमने पढ़ा है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखा है फाइव sec थीटा माइनस का थ्री tan थीटा इज इक्वल टू सेवन, और ये लिखा है थ्री sec थीटा माइनस का फाइव tan थीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं डी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्म लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह कितना है पांच है, तो पांच का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है तीन, तीन का स्क्वायर, सी की जगह कितना है सेवन, तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 माइनस जी स्क्वायर। ठीक, तो 25 माइनस 9 कितना होगा 16 बराबर 49 माइनस जी स्क्वायर। ठीक,
तो ये डी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 49 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा, 9 से 6 गया 3, 4 1 3, ठीक कितना डी स्क्वायर बराबर 33 आ जाएगा, देन डी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 33 प्लस माइनस, ठीक। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 33, और डी को हम लोग माना था 3 sec थीटा, 3 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो जल्दी ये कुछ कंसेप्ट है तो हम लोग देखें, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे, जैसे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक। तो जनरली अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि उसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन करेंगे कि उसमें क्या होगा कि काफी सारे क्वेश्चन क्या होंगे कि डायरेक्ट वैल्यू केवल पुट करेंगे और 4-5 सेकंड के अंदर उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। ठीक, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि जैसे अगर हमें वैल्यू पुट करनी है तो क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं आना चाहिए। सबसे पहला फॉर्म कि अगर वैल्यू पुट करें तो इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आना चाहिए, 1/∞ ना है, 0/0 ना है, या 1/0 ना है, ठीक। ये चार फॉर्म नहीं होने चाहिए, ठीक। ये चार फॉर्म अगर बनते हैं तो वैल्यू फिर वो वैल्यू ना रखे, कुछ और वैल्यू रखे हम लोग चेक करेंगे, लेकिन अगर ये फॉर्म बनते हैं तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इन फॉर्म के अलावा ये फॉर्म नहीं बनने चाहिए, ठीक। तो ऐसे पुट क्या करेंगे, जैसे कहीं कोई इक्वेशन दी गई हो, अगर वो साइन या कॉस में है, ठीक, साइन और कॉस में है, तो वहां हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 0° और 90°, ठीक है। वही अगर कहीं टेन और कॉट में दी गई है, टेन और कॉट में अगर इक्वेशन है, तो वहां हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 45° या 135°, ठीक। 45° या 135° हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। वही अगर हम लोग सेक दिया गया हो या कोसेक दिया गया हो, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें हम लोग 45° पुट कर सकते हैं, ठीक, 30° पुट कर सकते हैं, या 60° पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट करते हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल या कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इन्हीं पर कि कैसे हम लोग उनको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये चीज याद रखिएगा कि इसमें ये फॉर्म ना बने, बस वैल्यू के देखेंगे इन्फिनिटी, 1/∞, 0/0 या 1/0 फॉर्म बनता है तो फिर आंसर नहीं आएगा इस तरह, ठीक, जल्दी आ जाएगा, ठीक है, आपको रख के देखना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए कॉस क्यूब थीटा प्लस का 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम दिया गया है, ठीक। और दूसरी क्वेश्चन दी गई है कि ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है हमें एम प्लस एन की पावर 2/3 प्लस एम माइनस एन की पावर 2/3, ठीक। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक। तो इसमें इक्वेशन में क्या दिया गया है, इक्वेशन में साइन और कॉस दिया गया है, हमने बताया था साइन और कॉस के लिए क्या रखते हैं, 0° या 90° रखते हैं, तो क्या करें, पुट कर देते हैं इक्वेशन में, हम थीटा बराबर 0° पुट करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही इक्वेशन में पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, ठीक, इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड है, इसमें पुट करेंगे अगर थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बचेगा प्लस साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई से करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर कितना जाएगा, ए प्लस जीरो बराबर एम, देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आ जाएगी। ठीक, वैसे ही इसमें पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में कि थीटा जीरो तो साइन जीरो जीरो, देन ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रखेंगे साइन जीरो जीरो, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक, यहाँ साइन जीरो रखा जीरो हो जाएगा, यहाँ साइन जीरो जीरो हो जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक, एम और एन की वैल्यू हमें मालूम चल गई, अब एम एन वैल्यू इसमें हम पुट कर दें अगर, ठीक इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे, एम की वैल्यू कितनी, ए निकली थी ए प्लस जीरो की पावर टू अपॉन थ्री, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, ए है, ए माइनस एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, टू अपॉन थ्री, तो कितना आ जाएगा, ए की पावर टू अपॉन थ्री प्लस ए की पावर टू अपॉन थ्री, तो ए की पावर टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री क्या बन जाएगा, टू ए की पावर टू अपॉन थ्री। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे जल्दी ये फॉर्म जो होता है इन्फिनिटी या वन अपॉन इन्फिनिटी, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि कहीं इन्फिनिटी या वन अपॉन इन्फिनिटी या जीरो अपॉन जीरो या वन अपॉन जीरो फॉर्म तो नहीं बनना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक, इज इक्वल टू के माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, तो फाइंड करना है, फाइंड के फाइंड करना है कि के क्या होगा। ठीक, तो k फाइंड करना, इसमें भी क्या है, साइन कॉस है। ठीक, तो वैसे ही हमें बताया था साइन कॉस में जीरो है 90 मान लेते हैं, तो x को हम लोग क्या मान लें, जीरो डिग्री मान लेते हैं। ठीक, x को जीरो डिग्री से पुट करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है वन प्लस कॉस जीरो होता है वन, तो यह जीरो अपॉन टू, तो ये इनमें से कोई फॉर्म नहीं बनेगा। इसमें भी कॉस जीरो वन, ये वन प्लस जीरो वन आ जाएगा। ठीक, इसमें भी कोई फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ना इन्फिनिटी या वन अपॉन इन्फिनिटी, जीरो अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो, कोई फॉर्म नहीं बनना है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज में लोग पुट कर सकते हैं। ठीक, तो एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो साइन जीरो जीरो होता है जीरो अपॉन वन प्लस कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो वन अपॉन वन प्लस टेन जीरो जीरो होता है। ठीक, तो बराबर में के माइनस कॉस जीरो कितना होता है वन, और साइन जीरो जीरो होता है तो यह आ जाएगा जीरो। ठीक, तो यह आ जाएगा जीरो अपॉन समथिंग जीरो प्लस वन अपॉन वन, वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, तो वन बराबर में के। ठीक, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिएगा। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऐसे दिया गया है कि इफ एक्स बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, एंड वाई बराबर cosec थीटा माइनस का प्लस का cot थीटा। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में y प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक, तो sec और cosec है, sec cot है, तुमने बताया था sec cosec या tan cot आते, तो उसमें थीटा बराबर क्या रखते हैं, 45 डिग्री रख देते हैं। ठीक, तो पुट कर देते हैं थीटा बराबर 45, तो यहां अगर पहली क्वेश्चन में पुट करेंगे x बराबर
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो sec 45 कितना होता है, cos 45 का उल्टा, cos 45 होता है 1 upon root 2, sec 45 हो जाएगा root 2 minus tan 45 होता है 1, इसमें हम पुट करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45, cosec 45, cosec 45 ये भी हो जाएगा root 2 और प्लस cos 45 हो जाएगा प्लस 1, ठीक, x और y के में वैल्यू आ गई, हम यहां पुट कर देंगे, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, x वैल्यू कितनी आई, रूट टू माइनस वन, x वैल्यू रूट टू माइनस वन माइनस वन, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, x वैल्यू कितनी आई, रूट टू प्लस वन और प्लस वन, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस वन हो जाएगा रूट टू माइनस टू, ये कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस टू, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, पुट कर देंगे कि a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर टू, टू का स्क्वायर टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, ठीक, तो टू माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस टू, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही लगभग क्वेश्चन आते हैं और हम लोग ये मिनटों में उड़ा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बस ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है ये ना बने, बस काफी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ये, ठीक, खासकर एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इफ tan a tan b बराबर 1 upon 2 दिया गया है, देन क्या फाइंड करना है, 5 minus 3 cos 2a और ये है 5 minus 3 cos 2 beta, टू बी कह रहे हैं, ठीक, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी tan a tan b दिया गया है, हमने बताया था tan और tan b में क्या होता है, थीटा हम लोग क्या मान लेते हैं, 45 डिग्री, तो इसमें थीटा तो है नहीं, इसमें हम लोग क्या मानेंगे, इसमें हम लोग b को अगर हम 45 मान लें, b a किसी को भी मान लें, b को चलो 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक, तो इसकी हम बात करें तो यहां क्या है, tan a मल्टीप्लाई टेन 45 होगा 1, तो 1 बराबर 1 अपॉन 2, लगभग टेन ए कितना जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, और यहां पर हम रखें b के जगह अगर हम 45 रख देंगे तो cos 45 मल्टीप्लाई 2 cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 5, ठीक, तो क्या बचेगा, 5 माइनस 3 cos 2a, ठीक, मल्टीप्लाई 5, इतना बचेगा, ठीक, अब cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, बताया था tan के टर्म में cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a बराबर में होता है 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, चाहे तो यही सॉल्व कर लें, ठीक, 1 minus tan a, tan a कितना निकला था, 1 upon 2, तो 1 minus 1 upon 2, मतलब 1 upon 4 upon 1 plus 1 upon 4, ठीक, आ जाएगा कितना, 1 minus 1 upon 4, 4 minus 1, 4 minus 1 upon 4, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 plus 1, 5, 5 आ जाएगा, ठीक, 4, 4 cancel हो जाएगा, ठीक, तो यहां हम रख देंगे, 5 minus 3, multiply, कितना आ जाएगा, 3 upon 5, multiply 5, ठीक, तो 5 माइनस सीधा कितना लगा 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 एलसीएम लेंगे 25 25 माइनस 9 16 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा बचेगा केवल 16 ठीक फिर से भी नोट कर लीजिएगा ठीक है तो ये कुछ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस थे ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है ठीक और एक चीज देख लेते हैं जैसे
ठीक है, जैसे हम कहें कि ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं कि इससे भी काफी क्वेश्चन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, आपको जैसे पाइथागोरस लगाते हैं, तीन चार दिया गया है तो पांच निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, तो कुछ इनको याद करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ऐसे तीन चार पांच एक होता है, ठीक, दूसरा होता है आठ पंद्रह सत्रह, ठीक, एक होता है छ आठ दस होता है, ठीक, और कौन सा होता है, एक होता है नौ चालीस इकतालीस, ठीक, ट्रिपलेट होता है, और एक होता है सात चौबीस पच्चीस, ठीक, एक होता है बीस इक्कीस उनतीस, ठीक, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, है ना, तो इसे लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लोगों का काफी टाइम बच जाएगा। जैसे कुछ आपको दिया गया, जैसे साइन थीटा आपको दिया गया है, साइन थीटा गया है 9/41 दिया गया है, आपको कह रहा है कि कॉस थीटा या साइन थीटा ऐसा कुछ निकालना है, तो जाहिर सी बात है 9/14 दिया गया, कॉस्ट रे कितना है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और 9 40 41 होता है तो बेस कितना हो जाएगा 40, ठीक, तीनों आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है, काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक, तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे कंसेप्ट हो गए, अभी एक दो और कंसेप्ट बाकी हैं, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे आज के कंसेप्ट। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।